बड़ा खुशी का मौका सगा कि अज 13.74 करोड़ रुपए का टेंडर जोड़ा हैगा 13.74 करोड़ रुपए का जोड़ा एफ डी की मंजूरी सी अच्छ सू मिल गई सी फाइनल और असं देख रहे थे जो बंदे उतों अगे ट्रैवल करते रहे है रोड के हालात बहुत खराब से इन पुरानी सरकार ने केयर नहीं की और उत्थे बड़े बड़े एक्सीडेंट होए मैं कई प्राणियों की जान गई लेकिन क्योंकि कटते रहे रोड के मुआवजे लैन सानू पैसा साढ़े आ जाए इदा के उत्थे काम करते रहे पॉलिटिशन साढ़े पुराने और संताप जिहड़ा सी हुशियारपुर तो जलंधर जाने जलंधर तो हुशियारपुर चिंतपुर नहीं जाने लोग भुगतते पे सी लेकिन मैं मान साहब नूं सीएम साहब नूं भगवंत मान जी नूं जाके प्रार्थना की सी भी सानू सब तो पहला मेरे इलाके नूं पैंदा जिहड़ा और ज़्यादा इलाका खराब है सड़क जिहड़ी है उन्हों कृपा करके मंजूर किया जाए उस तो पहला मैं इस संबंध क्योंकि नैशनल हाईवे का रोड सेगा गडकरी जी ने चिट्ठी लिखी सी और उन्होंने ये किया उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अपने लैवल से इनू करे और मान साहब ने मेरी भगवंत मान जी ने जी मेरी रिक्वेस्ट नू साडे डिपार्टमेंट नू उस तो पहला उत्थे PWD मिनिस्टर साढ़े बहुत ही मानजोग उन्होंने भी उत्थे मेरे को हुशियारपुर आए थे और देखा जी रोड के हालात वाकई बहुत खराब है और अज इस संबंध में मैं तुहानू स्पैशली सद्या और कोई भी जाके जरा हूँ भी उत्थे ट्रैवल करके देखेगा कि किन्ने हालात खराब थे और उन्होंने साड़ी ये रोड मंजूर किया इनू और यदा टेंडर भी लग गया और तकरीबन 1 अप्रैल तक यदा काम जोड़ा है काम शुरू हो जाएगा और जोड़े उ लगातार यात्री जोड़े है बाबा भड़वाग सिंह का मेला शुरू हो गया सी और अपने नवरात्रे शुरू हो जाने हैं होर भी बहुत सारा जिन्हें भी माता दे खास तौर पर लुधियाना जलंधर सारा इलाका उतों लंघ के जाता और लोग सानू लगातार कहते सी और ये विपक्षी पार्टियां की कर दिया रही हैं ये मैटर तकरीबन 2017 तो पेंडिंग पिया सी 2017 तो पेंडिंग पिया सी और ये सिर्फ तमाशा करते रहे इस तो पहला मैं देखता सी कुछ पार्टियां ने उत्ते बूट पालिश करने की जिन्हें जिम्मेवारी आती सी इस मैटर की नैशनल हाईवे मैटर की और उस तो बाद जिहड़ी पिछली 5 साल की सरकार सी उन्होंने जाके उत्ते आप काम कोई नहीं किया उस रोड के उत्ते लेकिन धरने प्रदर्शन किए सो मैं स्पैशली जिथे पूरे इलाके के निवासियों नूं दुआबे के इलाके के निवासियों नूं जलंधर आदमपुर हुशियारपुर चिंतपुरनी तक के जाने वाले निवासियों नूं अज मुबारकबाद दिना भी ये जिहड़ा काम है मुख्यमंत्री मान भगवंत मान जी दे इस गल नूं साडे दर्द नूं समझिया और इहदे 13.74 करोड़ रुपए की जिहड़ी राशि उन्होंने जारी की है तकरीबन 39 किलोमीटर का यह स्ट्रैच सीगा जिहदे विचों 25 किलोमीटर का स्ट्रैच जिहड़ा है हुशियारपुर जिहदे हालात बहुत खराब सके पैंदा उहदे लई बिल्कुल बहुत अच्छा काम हो जाएगा और मैं धन्नवाद करन लई मुख्यमंत्री जी का और हुशियारपुर के जलंधर के लोगों को खुशखबरी देने दे लई क्योंकि बड़ा इंतजार सीगा जिथे असीं जांदे सी सानूं अगे क्वेश्चन हुंदा सी वी जी इस रोड का तुसीं की करना कदों करना सो इहदे नाल नाल मैं तुहानूं इक गल होर दस्सणी चाहुंदा वी उत्थे इक फ्लाईओवर का मैटर भी हैगा जिहड़ा आदमपुर च पैंदा उह भी रुकिया पिया 2017 तों उह भी रुकिया पिया तो मैं सेंटर सरकार ने भी कहना भी उस मसले में भी पंजाब सरकार उसके हर वेले हाजिर है साडे मिनिस्टर PWD हर वेले हाजिर है साडा जी साडे नैशनल हाईवे अथॉरिटी के नाल जो साडे इत्थे एक्शन पंजाब दी डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट पूरा PWD हाजिर है उन्होंने भी नालों नाल ही कंप्लीट करा दा भी सेंटर सरकार जतन करे असीं उत्ते हर वेले हाजिर है देखिए देखिए एक LOP की भूमिका जो होती है वो होती है बहुत जिम्मेवारी होती है उसके ऊपर लेकिन गवर्नर एड्रेसल पे ही इन्होंने उसका बहिष्कार किया क्यों किया इनको सुनना चाहिए था बैठ के उस पर कोई नुक्ताचीनी नहीं करते तब को बात बनती लेकिन इन्होंने उसको वहां से भी ये पलायन कर गया क्या एक LOP को ये शोभा देता है मैं ये बात पूछता हूँ उनका बड़ा तजर्बा है लाइफ का। नंबर दो कल भी मुख्यमंत्री जी ने उस पर कोई बात नहीं की उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि आप आंख से आंख मिला के बात करिए और कुछ नहीं कहा
उसमें आंख में आंख मिलाने का मतलब ये होता है कि आप सच का सामना करिए। अगर कल को कोई, आप कैसे कह सकते हैं अभी अगर उन्होंने कोई ऐसी बात ही नहीं कही, सो ऐसी कोई बात नहीं है, एलओपी साहब को बैठ के अगर ऐसी बात भी, तब भी हाउस नहीं छोड़ते, आप हाउस में बैठ के बात करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राज्यपाल साहब को तो इनको चाहिए, इनको भाजपा साहब को पूछना चाहिए था कि आप गवर्नर एड्रेस को कैसे छोड़ के चले गए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कभी ये कोई एलओपी ऐसे नहीं करता, नंबर एक। नंबर दो, जिस बात के लिए कह रहे हैं वो तो सिंपल कोई बात ही नहीं है, ऐसी को पहली बार हुआ है। ये पिछले इनके सरकारों में कुर्सियां चलाने वाले, ये क्या होता था नवजोत सिद्धू जी और मजीठिया जी के साथ क्या करते थे ये लोग, और तो कल तो कोई बात नहीं उसके मुकाबले, देखा जाए आप क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सच का सामना करने के, आंख में आंख मिलाने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमें पता है सांच को आंच नहीं, तो ये सच का सामना नहीं करना चाहते, सीधी बात। राज्यपाल तो मिला गया, राज्यपाल भी सीधे तौर देते गल करते हुए नजर आए, फिर उन्होंने कितना देखिए नहीं। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मान जो राज्यपाल जी को ये बात सोचनी पड़ेगी, पंजाब सरकार बिल्कुल डेमोक्रेटिक उससे काम कर रही है, और जे एलओपी क्या कर रहे हैं उस पर बात करें वो। अगर क्या सिद्धू मूसेवाला जी का अनफॉर्चुनेट मर्डर था एक पंजाब के लिए, तो उसके लिए क्या राजनीति करनी जरूरी है? क्या 30 आदमी गैंगस्टर अंदर नहीं किए गए? क्या जिन्होंने हथियार द्वारा फिर उठाया पुलिस के ऊपर उनका इनकाउंटर नहीं हुआ? क्या जो बाहर बैठे उनको पकड़ने के लिए मुख्यमंत्री जी चिंतित नहीं है? मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली में क्या कमी है मेरे को बताइए। लेकिन ऐसी बातें जो किसी के मर्डर के ऊपर राजनीति करनी, ये एक बहुत गिरावट का नतीजा है, ये एक एलओपी का रोल नहीं है। सवाल ये है कि सारी ओपोजिशन चाहे बीजेपी है, अकाली दल है, कांग्रेस है, वो सब आपके खिलाफ हो गए हैं, इस पे आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि लोगों ने इनको, पंजाब के लोगों ने बहुत बुरी तरह नकारा है, और अपनी ये जो कहते हैं ना झेप को बटाने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सुनना नहीं चाहते। इनके जो अंदर भी कोई कहते हैं एमएलए बैठा है, वो भी तो सुन रहे हैं ना बैठ के, वो उनको पता है अभी हम ठीक बात कर रहे हैं, वो सामना कैसे करें? किसी सरकार ने एक साल में गवर्नर जातो जी, अगर बाजवा जी ने कोई बात करनी होती ना, गवर्नर एड्रेसल पहले सुनते कि गवर्नर साहब ने क्या उस दिन कहा है, उसके बाद कोई नुक्ताचीनी करते, उसके ऊपर उंगली रखते, तो आज इनको अपने बचाव में, अपने जो इनके इनके जो किए हुए कृत्य हैं मैं कहूँगा, उनको बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें शोभा भी नहीं देती और लोग इनको मुंह भी नहीं लगाए। मैं बहुत ही